आदित्य अर्जुन के घर पर लाइट्स ना होने पर मोंटी और ईशा के फंक्शन के लिए उसके घर आने के लिए कहता है। रोमिला और महिमा आदित्य के प्लान की वजह से काश्वी पर और गुस्सा हो जाते और काश्वी के बनाए खाने में बहुत सारा नमक मिला देती। आदित्य रोमिला और महिमा को ये सब करते देख लेता है और काश्वी को सबसे बचाने का इंतजाम करता है। जब ईशा की फैमिली आदित्य के घर पर एंटर करती है, बाजवा फैमिली की बहू मोंटी की बहन काश्वी को समझ कर, क्योंकि काश्वी ही मोंटी के शादी के सब काम कर रही है, ईशा की मॉम अर्जुन और काश्वी के जोड़ी को आशीर्वाद देती है। तब महिमा काश्वी और अर्जुन पर गुस्सा होकर सामने आती है। ये कहती है कि वो अर्जुन की वाइफ और करुण की माँ है, मोंटी की बहन भी वही है। जब ईशा की फैमिली महिमा से माफी मांगने लगती है तो महिमा कहती है कि आप क्यों सॉरी कह रही है, माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिन्होंने ये गलत फहमी होने दी। काश्वी और अर्जुन ये सब सुनकर हर्ट फील करते। फिर क्या, जब काश्वी के बनाए खाने पर काश्वी की इंसल्ट होती है वो भी महिमा और रोमिला से, आदित्य ही काश्वी को बचा लेता है और बाद में महिमा को एक्सपोज भी करता है। महिमा और रोमिला की हरकत देखकर अर्जुन और जगदीश दोनों काश्वी की तरफ से दोनों को बहुत सुनाते हैं। उस बीच में करुण उनके नजर से दूर हो जाता है और सभी करुण ना मिलने पर उसे ढूंढने की कोशिश करते। जब मोंटी और ईशा के रोके में काश्वी और अर्जुन पास आकर डांस करने लगते हैं तो आदित्य और महिमा दोनों हार्ट ब्रोक फील करते हैं। तो जब काश्वी आदित्य को दूर खड़े हुए देखती है, काश्वी आदित्य को ये सब करने के लिए मोंटी की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और उसे लेकर डांस करती है। तो अर्जुन दोनों को करीब देखकर गुस्सा हार्ट ब्रोक फील करता है और म्यूजिक बंद कर देता है। आदित्य को पता चल जाता है कि अर्जुन ने ये जानबूझकर किया है ताकि वो काश्वी को आदित्य से दूर कर सके। जब काश्वी ने बनाया खाना खाने का वक्त आता है, सभी काश्वी के खाने की बहुत तारीफ करने लगते हैं। जब सभी खाना टेस्ट करते हैं तो महिमा सबसे पहले काश्वी की इंसल्ट करती है। अर्जुन को जब शक होता है कि शायद महिमा ने काश्वी को इंसल्ट फील करवाने के लिए काश्वी के खाने में नमक मिलाया है तो अर्जुन महिमा को एक्सपोज नहीं कर पाता। बाद में आदित्य काश्वी की प्रॉब्लम समझकर सभी मेहमानों के खाने का इंतजाम करता है। सभी मेहमानों के जाने के बाद आदित्य रोमिला और महिमा का ड्रामा देखकर जब वो काश्वी की इंसल्ट करते जाते हैं तो आदि उन्हें एक्सपोज करता है। आदित्य उसे काश्वी की कितनी फिक्र है, वो कितना काश्वी से प्यार करता है। जब उससे अर्जुन और सबके सामने आता है तो अर्जुन जेलस फील करता है और कुछ सवाल अर्जुन भी कर ही लेता है। अब सीरियल में देखिए कि काश्वी क्या करती है। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या करुण की वजह से फिर से आदित्य फंस जाएगा, क्या अर्जुन की बातें सुनकर काश्वी करेगी आदित्य पर शक, या फिर आदित्य ने काश्वी को इंसल्ट से बचाया देखकर काश्वी आदि की साइड लेगी, क्या महिमा फिर से करुण को अपने तरफ कर पाएगी, कब मिकी अर्जुन और काश्वी को रोमिला और महिमा की सच्चाई बताएगा। देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।